वैसे तो ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर ये डिफिकल्ट नहीं है अगर इसको अगर थोड़ा सा ट्रिक लगा के सॉल्व कर रहे हैं तो। बाकी तो इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें एक जोड़ोगे, फिर डिवाइड करके फिर ऐसा करोगे तो ये काफ़ी कठिन हो जाएगा। इसका गुणा इससे करोगे, इसमें फिर ये जोड़ोगे तो फिर ये मिश्रित भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदलोगे फिर एलसीएम लेके करोगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बाकी इजी मेथड क्या रहेगा बेटा इसको सॉल्व करने का, आपको क्या करना है, ये जो आगे आगे वाले जो नंबर दिख रहे हैं इनको आप अलग से जोड़ दो, आपको इनको अलग से जोड़ देना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, अलग से इनको जोड़ देना। जोड़ दिया ये इस तरीके से, आगे आगे वाले ये नंबर मैंने ले लिए, ये वाले ले लिया, ये वाला नंबर ले लिया, ये वाला ले लिया, इनको अलग से जोड़ दिया। जोड़ दिया, देखो कैसे जोड़े, चार आठ आठ हो गए, ये कितने हो गए छः, ये चार और ये दो हो गए, ये अपने पास इस तरीके से आ जाते हैं। आगे अब जो बाकी भिन्न बची है, भिन्न कौन सी बची, एक बटा चार प्लस एक बटा चार प्लस एक बटा चार प्लस एक बटा चार, यही तो बची है। बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, भिन्नों को नीचे सेम आ गए तो नीचे क्या लिखोगे, चार, और ऊपर कितना आ रहा है चार, चार से चार कट गया तो कितना आ गया एक। तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर आया है आपके पास ये वाला, इसमें क्या ऐड कर देना है, एक ऐड कर देना है, तो आपके आंसर आ जाएंगे तो 2469 आपके आंसर हो जाएंगे इस पूरे को सॉल्व करने पर। इतना काफ़ी इजी हो जाता है। तो आप और इसके बाद भी और बहुत सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो इस मेथड पर होंगे, तो बहुत ही इजी ये मेथड है, यू कैन ट्राई।